आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस मैं उठ चुकी हूँ, मैंने शावर ले लिया है और हमारे लाला भी उठ चुके हैं। मैंने उठाया था आज, मैंने 12 बजे उठाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लाला बैठे हुए हैं। वैसे तो इनकी ये वाली ड्रेस सेम है, लेकिन इनकी ड्रेस ना गाइस इनकी ये टी शर्ट नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने इनको आज ये नया कुर्ता पजामा पहना दिया। और यहाँ पे ये खा रहे हैं भी भोग, दूध, मक्खन, उसके साथ मिश्री, काजू बादाम और ये फ्रूट। और मैंने इनकी आरती कर दिया, मंदिर की भी पूजा मैंने करी थी गाइज आज। और यहाँ पे मम्मा सारे सूट के ओपन कर रही है, इसके अंदर मम्मा ने रखे थे सबके शूज, जिसमें गाइज मम्मा ये पॉलिथीन भी लेके आती रहती थी, तो उसने रखे दिए थे। और मैं मम्मा से अपना सामान भी पूछ रही थी इतने दिनों से, तो वो भी दिखा रही थी मम्मा कि मेरे लिए क्या क्या लेके आई हैं। आपको दिखा मैंने, आपने दिखाया था व्लॉग में, मैंने व्लॉग में भी दिखाया था कि मेरे लिए क्या खरीदा है। और अभी ये पूरी दो दो सूटकेस बाकी हैं, एक खाली हो चुकी है, दो पूरी दोनों बाकी हैं, अभी देखते हैं इनमें क्या है। और घर का काम हो चुका है स्टार्ट, हमने चाय नाश्ता कर लिया है, बेडशीट भी छा दिया यहाँ पे, और बस झाड़ू पोछा रह चुका है, बाकी बाहर की रसोई रहती है। मैंने यहाँ पे तिलक लगा रही थी, यहाँ पे तिलक लगाने का सारा सामान छोड़ के चले गई। मैंने सोचा कि पहले मैं व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, फिर उसके बाद तिलक लगाऊंगी। वाओ मिस्टेक्स, तभी मैं तिलक लगा रही, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। और अब मम्मा ने यहाँ पे सेकंड सूट केस को ओपन कर ली है, इसके अंदर है मेरा सारा सामान। ये मेरा सामान, अब दिखेगा मेरे लिए मम्मा क्या लेके आई है। ये मम्मा अपने लिए बैग लेके आई है। और गाइस मम्मा को ना हर एक चीज में कहीं पे जाएगी मम्मा बैग जरूर लेके आएगी, और इसमें लिखा है समर, सुंदर लग रहा है, वाइट और येलो मिक्स कॉम्बो अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं और क्या सामान है। अभी मम्मा ने गाइस शावर नहीं लिया, और इसके अंदर वाओ ये किसका है, कितना क्यूट है ये मेरा है, इसमें मेरा फोन भी आराम से आ जाएगा, क्यूट है। अगर कहीं घूमने जाए ना लड्डू का सामान अगर रखने के लिए और भी स्पेस चाहिए तो उसमें रख सकते हैं ना मम्मी, जैसे लड्डू की पानी की बोतल मिनी होती है। ये क्यूट लग रहा है मेरे को, पिंक कलर का टेडी टेडी। और ये क्या है, फ्रॉक, ये मेरी है, ये मेरी नाइट ड्रेस बन सकती है, लेकिन मैं इसको सुबह पहनूंगी, अभी पहन लो कल पहनूंगी इसे मैं। और ये भी मेरी है, बड़ी नहीं अच्छी लग रही है। मम्मा मेरे जैसा बैग टिया के लिए भी लेके आई है, सेम कलर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं आज जाऊंगी तो टिया को देख के आऊंगी। गाइस मैं यहाँ पे चप्पल डाल रही हूँ लड्डू के लिए दही, और मम्मा लगभग परांठा भी बना देगी, मम्मा ने मुझे बोला है। और गाइस मम्मा ना लड्डू के लिए सारे मिर्च मसाले अलग लेके आई है, ये है इनका गरम मसाला, और ये है रेड चिली पाउडर, और यह है हल्दी। इनके लिए मम्मा अलग मिर्च मसाले लेके आई है, क्योंकि पहले इनका भोग बनता जो हम मसाले यूज करते हैं वो कभी इनके लिए यूज नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए ये हमें ही रखना था, तो इसीलिए हमने ये कर दिया है। और मम्मा ने चीनी का परांठा बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, पहले मम्मा लड्डू का भोग बनाती है, फिर उसके बाद हमारे लिए बनाएगी मम्मा कढ़ी चावल। और चावल बना रहे हो रोटी बना रहे चावल? चावल। कमेंट्स में गाइस ज़रूर बताना कि किस किस को मेरी तरह कढ़ी की सबसे सिर्फ चावल पसंद है, मुझे ना रोटी नहीं पसंद है, सिर्फ चावल पसंद है। नमक भी डालना है, पागल है, चीनी का परांठा है, मेरे को इतना भी नहीं पता, सच्ची में इतना भी नहीं पता मुझे। इस यहाँ पे मम्मा ने कढ़ी बनाना कर दिया है स्टार्ट, इसके अंदर कढ़ी बन रही है, और जब तक मम्मा ने पकौड़े फ्राई कर रही है, यहाँ पे आज के पकौड़े बन चुके हैं, मम्मा आलू के बना रही है, प्याज के बन रहे हैं, प्याज के बन रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, और मम्मा थोड़े से आलू और कट कर रही है बेसन के अंदर, और कढ़ी बनने वाली है, कढ़ी अभी बनने वाली है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी थोड़ी बनी, अभी तो छोंक भी लगेगा, ये बड़ा छोंक का सामान बोरा। यहाँ पे मम्मा ने पकौड़े बना दिए हैं, और यहाँ पे मम्मा जब पता हमारे लिए बना रही है चाय, क्योंकि सबका मन कर रहा था, पापा का सर भी दर्द हो रहा है, पापा की गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है,
और कड़ी भी बनने वाली है जो कि मम्मा इसको हिलाती जा रही है सब से। और मैं यहाँ पे बैठे बैठे पकौड़े भी खाती जा रही हूँ, मेरे को बहुत टेस्टी लग रही थी। इसका छोंक लगेगा इससे घी में। यहाँ पे हमारी चाय भी आ चुकी है और मम्मा थोड़े से पकोड़े भी लाए थे इसी के साथ और चटनी भी लब्बे लेके आया था ये। और हम देख रहे हैं गाइस मूवी। अब ये मूवी कौन सी हम आपको नहीं बताएंगे, सिंगिस की। और ये मूवी हम देख रहे हैं पूरी फैमिली मिलके चाय पी के। बारिश भी हो रही है ना। यहाँ पे खाना बन चुका है, कड़ी भी बन गई है और चावल भी। और दफ्त मम्मा और लव्वे लड्डू कर रहे हैं प्यार, ये देखो। और हम देख रहे हैं व्लॉग भारती के, हम देख रहे हैं व्लॉग। हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि कॉमेडी हमें अच्छे लगते हैं। और हमारे लड्डू भी देखते हैं गाइस, देखो ये हंस भी रहे हैं देखते देखते। अब जाके टाइम मिला है लड्डू को मैंने लिया है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अभी अपना काम जो मेरा पेंडिंग था ये वाला। और लव्वे कर रहा है लव्वे पापा के पैर दबा रहा है। वाओ, और मैंने अपने पेज भी लिख लिए जल्दी जल्दी। गाइस कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी है मेरी राइटिंग, और भी गंदी अच्छी लग रही है वैसे, इतनी बुरी नहीं है, सुंदर बाइक है। देखो तो गाइस यहाँ पे लड्डू सो चुके हैं, मैंने सुला दिए हैं। और बस अभी मंदिर का पर्दा बंद कर रही हूँ, फिर पापा कर देंगे लाइट बंद। और मैंने इनको दूध भी पिला दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो बस ये अभी सो रहे हैं और मम्मा देख रही है ब्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, तो गाइस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और हम सारे उठ चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं अभी 12 और यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मा बना रही है लड्डू के लिए सूजी का हलवा। मैंने भी शावर नहीं लिया है। और दूसरी तरफ मम्मा लड्डू का दूध भी उबाल रही है, लड्डू भी उठ चुके हैं। और मम्मा ने लड्डू को स्नान करवाया था, मंदिर की पूजा भी हो चुकी है। और मैं अभी जा रही हूँ शावर लेने। पापा ये गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत हो रही है ख़राब, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है। और पापा ने गाइस पूरी रात पंखा नहीं चलाया था, ये पंखा ऐसे किया है तो बंद ही रहा था, लेकिन अब चला है और अब आपको आराम है थोड़ा सा, मच बेटर पहले से थोड़ा सा बेटर है। और अभी मेड आई नहीं है, थोड़ी एक ही दीदी आई है बस, और बाकी दूसरे वाले घर में लग रही है मशीन लग रही है, धुल भी गए कपड़े। और ये अब आई है, मम्मी का हलवा बन चुका है और दूध भी उबल के मम्मा ने कटोरी के अंदर डाल दिया है। अब हलवा डालेगी मम्मा और लड्डू की आरती भी कर दी थी मम्मा ने, लड्डू कर रहे हैं इंतजार। यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी है और हमने इसके साथ पैटीज मंगवा लिए थे। और यहाँ पे मम्मी पापा अपनी चाय पी रहे हैं। अब देखो बारिश होगी गाइस, पता ही नहीं चल रहा अभी कब मौसम बदल रहा है, बहुत जल्दी बदल रहे हैं। और हम देख रहे हैं व्लॉग्स नंदनी करनालिया के, यहाँ पे आप देख सकते हो हम पी रहे हैं चाय, फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। गाइस अभी हो चुकी है शाम और मैं लेके बैठी हूँ रामा को, लब्बे लेके बैठा है यहाँ पे गोवर्धन को। और यहाँ पे मम्मा कर रही है पापा के कपड़े प्रेस। और पापा ने गाइस अभी शावर लिया वहाँ पे है, अभी शावर लिया क्योंकि पापा की तबीयत खराब हो रही थी, इसीलिए पापा की हिम्मत भी नहीं हो रही थी उठने की, तो इसीलिए पापा ने अभी लिया है शावर। और गाइस नानियों के कब से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि आज है नानियों का गणपति का विसर्जन, उन्होंने करी है शोभा यात्रा, लेकिन हम नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और फिर पापा की तबीयत भी ख़राब है, इसीलिए हम तो नहीं जा रहे हैं वहाँ पर। और अभी बज रहे हैं शाम के 6। गाइस यहाँ पर मैंने ना लड्डू की ड्रेसेस सारी इसके अंदर पॉलोथीन के अंदर रख दिया है, ऐसे बना के। इसके अंदर है इनके डेली ड्रेसेस रामा और गोवर्धन की, इसके अंदर है इनके टॉवल और ब्लैंकेट्स, और इसके अंदर है रामा की जन्माष्टमी की और राधाष्टमी की ड्रेस। ये मैंने इनके ऊपर ये ऐसे पेज से ही लिख के भी चिपका दिया ताकि याद रहेंगे। और इसके अंदर है गोवर्धन की डेली, इसके अंदर है गोवर्धन की ड्रेसेस जो कि थी छठी की, राधाष्टमी की और जन्माष्टमी की इसके अंदर है। मैंने इनकी ऐसे इनके अंदर ये बना दी और इसके अंदर स्पेस भी बच गया और आधे से ज़्यादा सामान भी आ गया अभी। तो ये इनके डेली ड्रेसेस, और अभी ये खाली खाली इसलिए लग रही हैं क्योंकि ये इनके सारे जो कपड़े इन्होंने पहन लिए ये भी वॉश होने लगे, ये मम्मा भी करेंगी थोड़ी देर में,
ये रहेंगे वॉश होने, मतलब इनकी ये फेस बच गई। और अभी एक और बनेगी नाइट सूट की, कमेंट्स में बताना आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा या नहीं लगा। और जब मम्मा शॉपिंग कर रही थी तो सारे ये दे रहे थे, मतलब ना ऐसे सारे दे रहे थे बहुत सारी शॉप पे ही, तो मम्मा वो लेके आ गई थी और फिर मेरे को एकदम से देखूंगी। और ये अभी भी बहुत सारी पड़ी हैं, तो ऐसी एक और बनेगी जिसमें मैं इनके रखूँगी नाइट सूट और इनकी निकर्स। आप कमेंट्स में बताना आपको ये कैसा लगा, आप भी कर सकते हो। अगर आपके पास मेरी तरह एक और ही ऐसी कपड़े रखने की टोकरी है तो आप कर सकते हो। गाइस अब पीशिका कर रही है शाम की पूजा और मंदिर की भी करेगी, और मैं बना रही हूँ लड्डू और को मीठा दलिया। पहले मैं यहाँ पे सारे बर्तन लगाऊंगी, क्योंकि मैं पहले टोकरे में रखते हैं बर्तन धुल के, फिर मैं उसके बाद लड्डू को बनाऊंगी मीठा दलिया। और ये प्रसाद लड्डू जी का, और टीशिका वहाँ पे कर रही है पूजा। मेरी टीशिका को घी गरम करके, क्योंकि जोत बत्ती का घी होता है तो उसमें घी कम भी है। अभी घी का डब्बा यहाँ पे पड़ा है, मैं जोत बत्ती वाला घी अलग से पड़ा है वो निकाल के देती हूँ टीशिका को। तो गाइस यहाँ पे मेरा बन रहा है लड्डू गोपाल जी के लिए दलिया मीठा। अभी इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा, लगेगा आधा घंटा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, और मैंने यहाँ पे कुकर निकाल के रख लिया है क्योंकि मैं सब्जी बनाऊँगी। पहले मैं लड्डू गोपाल जी का खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ खाना और देखती हूँ कि क्या बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने लड्डू जी के बर्तन धो के रख दिए, अब इनमें खाना देना है। सो गाइस मैं गई थी गोवा, तो नेल्स लगा के गई थी, मैंने सारे उतार दिए आते ही, और नेल्स हो गए मेरे अपने भी ख़राब, पता नहीं कैसे हो गए खुरदड़े से। और ये देखो ये सारे उतार दिए मैंने अपने आप, ये नहीं उतर रहे, पता नहीं क्या है। और ये मेरी उंगली इतनी दर्द हो रही है, बेकार है नेल्स लगवाना। हमारी चाय लेके आ चुकी है और लव्वे खा रहा है हमेशा की तरह, फिंगर ही खाता रहता है। टेस्टी लग रहा है आपको? बहुत गंदे खाता है गाइस ये, और ये कहता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, अब तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मैंने पूजा भी कर दी है शाम की, सिर्फ लड्डू और के करी है, मंदिर की नहीं करी मैंने। और मैं और मम्मा पी रहे हैं यहाँ पे चाय। यहाँ पे घर पे आई है दादी बहुत दिनों के बाद। राधे राधे, जय श्री गोवर्धन महाराज की, जय श्री रामा, राधे 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 राधे। और यहाँ पे मैंने लड्डू का भोग लगा दिया है, मैंने लगाया है दूध वाला क्या बोलते हैं, नहीं हाँ दूध वाला दलिया मैंने भोग लगाया लड्डू को, मेरे को कहीं नाम भी नहीं पता। और आज लड्डू सुंदर लग रहा है, अति सुंदर, अद्भुत अद्भुत। अब मम्मा ने खाना बनाना कर दिया है स्टार्ट, और ये मम्मा आज बना रही है चिकन करी वाला, और ये अभी हो रहा है अच्छे से फ्राई। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लगा दिया है अंदर लड्डू का पर्दा, क्योंकि फिर मम्मा चिकन बना रहे थे यहाँ पे इनके पास स्मेल ना जाए, और बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं जब कभी अपना भोग भी खा रही है अच्छे से खा पाए ताकि स्मेल ना आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया पर्दा। और दादी यहाँ पे बैठी भी हैं, और मैं कर रही हूँ अपना स्कूल का काम। और गाइस इसके पूरे 39 पेज हैं, 39 में से मैंने सिर्फ अभी 23 करे हैं। और लव्वे बैठे हैं, दादी देख रही है मेरा कल का व्लॉग। यहाँ पे चप्पल सब्जी में लग रही है सिटी, और यहाँ पे मम्मा जब कद बना रही है रोटी। आटा भी मम्मा ने गूंद लिया था क्योंकि दादी और आ रखे हैं, और टाइम भी हो चुका है रोटी खाने का। और यहाँ पे मम्मा ने थोड़ी सी सैलेड काट ली थी, टमाटर प्याज और मिर्ची। और बस मम्मा यहाँ पे अभी रोटी बना रही है, दादी और अंदर बैठे हुए हैं। दादी के लिए गाइस मम्मा ने चाय बनाई है। पहले गाइस मम्मा के साथ पता क्या हुआ था, मम्मा चाय बना रही थी लेकिन फिर उसमें
मम्मा जब सब्जी को हिला रही थी तो उससे मम्मी का हाथ लग गया यहाँ पे और पूरी की पूरी चाय गिर गई। और ये फिर सही था कि मम्मा बच गई चाय, वरना मम्मा के पैर पे गिर जाती है और सब्जी कहीं पर भी गिर जाती। और मैंने अपना आधा काम कर लिया है, थोड़ा सा पेज रह चुके हैं मेरे, इतना काम कर लिया मैंने। यहाँ पे मम्मा पापा को रोटी चूर के दे रही है और सर रोटी बन चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जी, मम्मी ने तरी वाला चिकन बनाया है। और मैं मम्मा को कह रही हूँ कि मम्मा मुझे भी रोटी चूर के देना, दादी भी वेट कर रही है रोटी का, सबको भूख लग रही है। और मैंने यहाँ पे गोवर्धन को और रामा को सुला दिया है। बस मैं मंदिर का पर्दा बंद कर रही हूँ, फिर पापा लाइट बंद कर देंगे। मेरा ना गाइस बटन ना ऊपर उधर है, आपको दिख रहा होगा ऊपर है, मेरा हाथ नहीं जाता तो इसीलिए पापा बंद करते हैं। बस अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, धीरेन भी नहीं बोला मैंने। और दादी को रोटी खानी है, अब आपको दादी खा रही है गाइस अपनी दवाई यही। मैं अभी पानी लेके आई, मैं अभी आपको देती हूँ पानी, अभी मैं दादी को दे देती हूँ पानी। हाँ दादी जी को भी रोटी चाहिए, दवाई खा रही है पहले दादी, फिर उसके बाद तो मैं पानी ग्रास हटा। अब ढक्कन खोलना बड़ा मुश्किल है। कड़वी है और यहाँ पे आप वेलकम। और लब्बे अपने ये पता नहीं क्या क्या करते रहता है, गर्वी बैठ रहे उसे। सभी घर पे आए हैं, बड़ी मम्मा और बड़े पापा सारे बैठे हुए हैं और मैंने अभी भी पानी दिया है। और गाइस बड़ी मम्मा आते पूछ रही थी कि लड्डू पर सो गए, तो मैंने बता दिया सो गए। और मम्मा यहाँ पे बैठ खड़ी हुई है। तो गाइस यहाँ पे मम्मा बिछा रही है बेडशीट और बड़े पापा सारे चले चुके हैं। लब्बे खा रहे अब खाना, कब से अब खा रही है। और मैं खा रही हूँ चिप्स और मैंने खाना खा लिया था। और व्लॉग हो चुका है बहुत ज़्यादा ही लंबा, रात के बज चुके हैं 12 और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, राधे राधे, जय गुरु जी। और गाइस आप लोग हमारे ब्लॉग्स में ज़रूर कमेंट करा करो, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाय बाय गाइस।